चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का वीडियो अगेन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, एग्जामिनेशन मिस्टेक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ए टू जेड आज का पूरा सेशन स्पेशल होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ, वो मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में करते हैं या कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट है वो अचीव करने से आप रह सकते हैं। टारगेट क्या है हमारा, सिंपल सी, आपको 99.4% बनानी है। जी हाँ, अगर ये परसेंटेज बनानी है जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है 100% के, तो भाई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, 1% भी गलती नहीं करनी है। तो उसी चीज में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, 10 वो कॉमन मिस्टेक या वो ब्लंडर्स, बहुत बड़ी मिस्टेक भी है, कॉमन मिस्टेक्स भी है, जनरल मिस्टेक्स भी है, जो कि आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है। राइट, तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहले टिप है मेरी एग्जामिनेशन मिस्टेक्स में, वो है रीचिंग लेट एट एग्जाम सेंटर। जी हाँ, कई बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता एग्जामिनेशन सेंटर कितनी दूर है, कैसे जाना है। वो उसी दिन सुबह उठ के डिसाइड करते हैं कि इतने बजे निकलूंगा, एग्जामिनेशन सेंटर देख के नहीं आते, उस दिन ही देखने जाते हैं। भाई वो चीज़ें अवॉइड करनी है। राइट, पहले तो एग्जामिनेशन सेंटर पहले ही पता कर लो कहां पर है, एक दिन पहले, दो दिन पहले जाके देख के आ जाओ, ताकि फैमिलियरिटी लगे, सुबह उठते ही डर ना लगे कि भाई कितनी दूर है, कैसे जाना है, वो सब अरेंजमेंट पहले से करके रखिए। राइट, यहां पर क्या है, लेट एग्जामिनेशन सेंटर रीच नहीं करना है। राइट, बहुत ज्यादा नर्वसनेस या एंग्जाइटी वाली फीलिंग आने लग जाएगी अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर उस समय रीच करें जब बिल्कुल बैल होने वाली हो, मतलब आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल स्टार्ट होने वाला हो। राइट, एक तो वैसे ही पेपर का डर, पहला पेपर होगा राइट आपका, क्योंकि पहले पेपर में ही मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट लेट पहुंचते हैं। राइट, तो आपको लेट नहीं पहुंचना है पहले या किसी भी एग्जामिनेशन में, आपको हाफ एन आवर एटलीस्ट पहले पहुंचना है, वहां के एटमोसफेयर से फेमिलियर होना है, फ्रेंड सर्किल में पढ़ाई की बातें बिल्कुल नहीं करनी, हंसी मजाक करना है, औरों के मजाक उड़ाइए जो भी है। राइट, मस्ती मजाक करिए, पढ़ाई की बातें नहीं करनी है, लेकिन सबसे मेन चीज है एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम से पहले पहुंचना है। राइट, बैल बजेगी, फ्रेंड के साथ जाइए, आराम से बैठिए, 15 मिनट का जो टाइम मिलता है उसका यूटिलाइजेशन करिए। सबसे पहला टिप यही है, एग्जामिनेशन सेंटर पहले पहुंचना है। सबसे पहले किक स्टार्ट मिलनी चाहिए आपको। राइट, एग्जामिनेशन से पहले वो फील आना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने का और अच्छा परफॉर्म करने का। राइट, वहां के एटमोसफेयर से यूज टू होना बहुत जरूरी है बच्चा लोगों। राइट, तो पहला क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर पहले पहुंचना है आपको। यस और नो? चलिए, रीडिंग फ्यू मिनट्स बिफोर एग्जामिनेशन। राइट, कई एंटिक तरह के बच्चे भी देखे मैंने, मतलब घर से जब एग्जामिनेशन सेंटर आते हैं तब तक उनके हाथ में बुक ही रहती है, एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच के भी बुक ही हाथ में रहती है, एग्जामिनेशन की बेल लगने से पहले भी बुक ही हाथ में रहती है। भैया पूरे साल क्या कर रहे थे, पूरे साल नहीं पढ़ पाए तो भैया 15 मिनट में क्या कर दोगे। राइट, तो मेन चीज क्या है, भाई घर से एक बार निकल गए हो, एग्जामिनेशन पेपर की बातें करनी ही नहीं है। कोई फ्रेंड भी करे कि भाई इसका आंसर बता दो, बात ही नहीं करनी है। राइट, तो डिस्कस करना अवॉइड करिए, पढ़ना रीडिंग करना अवॉइड करिए जैसे ही आप घर से निकल चुके हैं। राइट, उससे सिर्फ एंजाइटी, नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन वगैरह, या ऐसा लगेगा मेमोरी लॉस हो रही है, यार वो आता हुआ भी भूल गया, वो सारी चीजें कब होगी, जब लास्ट मूवमेंट तक आप पढ़ते रहेंगे। तो लास्ट मूवमेंट जो रीडिंग है, स्टडिंग है, अवॉइड करनी है एट एनी कॉस्ट। यस और नो? चलिए, नॉट रीडिंग क्वेश्चंस केयरफुली। अब हम आ गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे रूम में और पेपर हमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मेक श्योर क्या करना है, क्वेश्चंस केयरफुली रीड करना है। राइट, देखिए 99.4% बनाना हलवा नहीं है। राइट, अगर इतनी परसेंटेज अचीव करनी है तो आपको कहीं पर भी फूक फूक के कदम जो बोलते हैं वो लेना है। राइट, तो हर क्वेश्चन आपको एटलीस्ट टू टाइम्स आपको रीड करना है, ताकि कोई भी चांसेस ना हो, आप कोई भी एक भी चांस नहीं दे एग्जामिनर को मार्क्स काटने का। राइट, तो मेक श्योर करना है हर क्वेश्चन केयरफुली रीड करना। जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, क्वेश्चंस आते हैं विच ऑफ दीज आर नॉट, हम ढंग से नहीं पढ़ते हैं और आंसर लिख के आ जाते हैं, Any 3 लिखा रहता है, Any 4 लिखा रहता है, इनमें से अटेम्प्ट करने हैं। राइट, वो हम देखते नहीं है, तो मेक श्योर क्या करना है, क्वेश्चंस को एटलीस्ट टू टाइम्स हमें रीड करना है और फिर ही स्टार्ट करना है क्वेश्चन करना। यस और नो? चलिए, डूइंग पोस्ट पेपर एनालिसिस। ये बहुत ही फनी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चे पेपर खत्म होते ही, जैसे चाय पे चर्चा होती है वैसे पेपर पे चर्चा चालू हो जाती है, जो कि हमें एनी कॉस्ट पे अवॉइड करनी है।
राइट। जैसे ही पेपर होता है, फ्रेंड्स आते हैं, कैसा हुआ भाई, ठीक ठाक हुआ, अब मेरा पूरा फोकस अगले पेपर पे है, दैट्स ऑल, कन्वर्सेशन फिनिश। हो रहा है बच्चों क्लियर? पोस्ट पेपर एनालिसिस से कुछ भी नहीं होने वाला है, जो आप कर चुके या करके आ गए हो वो बदलने वाला नहीं है। या फिर ऐसा होता कि भाई ये पोस्ट पेपर एनालिसिस करके आपका पेपर अच्छा हो जाता, या आपको पता लगता कि भाई ये छूट गया, ये कर लिया तो उससे अच्छा हो जाता, ऐसा हो जाता तो पोस्ट पेपर एनालिसिस ठीक था, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। एनालिसिस से कुछ नहीं होगा, दूसरे पेपर में बल्कि इंपैक्ट पड़ेगा। अगर इनकेस आपको पता लगा कि ये छूट गया, ये नहीं करके आया, तो अगले पेपर में भी उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए पोस्ट पेपर एनालिसिस बिल्कुल ही करना, अवॉइड करना है। Yes or no? चलिए, लिविंग क्वेश्चंस अनआंसर्ड, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपको बचपन से हर एग्जाम में टीचर्स आके यही बोलते हैं, भैया कुछ भी आए लिख के आओ, क्वेश्चन मत छोड़ के आना, बोर्ड में यही फॉलो करना है। कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी हम कुछ भी लिख के आ जाते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, वो 4 मार्क्स का कोई भी आंसर है जो आप कुछ भी लिख के आ गए हो, तो भाई कभी कभी एग्जामिनर का जब मूड अच्छा होता है ना, वो 4 में से आपको 2 मार्क्स दे देता है, ट्राई करने के, एफर्ट के, राइट। तो मेन चीज क्या है, क्वेश्चन को कभी भी ब्लैंक मत छोड़ के आइए। सबसे पहले, या इसमें नॉर्मल से मैं टिप्स दे देता हूं कैसे करना क्या है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है उस क्वेश्चन के बारे में, आइडेंटिफाई करिए किस चैप्टर का है, आइडेंटिफाई करिए वो जो क्वेश्चन आया है जो आपको नहीं आता किस चैप्टर में से है, वो चैप्टर का अंदाजा लग गया, उस चैप्टर के बारे में लिख के आ जाओ, राइट। अगर उस चैप्टर का अंदाजा लग गया और उस टॉपिक का अंदाजा लग गया किस टॉपिक में से है, लेकिन आंसर नहीं आता, उस टॉपिक के बारे में लिख के आ जाओ, राइट। तो 2-3 choices हैं, टॉपिक को पता लगा उसके बारे में लिख के आ जाओ, टॉपिक पता नहीं लग रहा, चैप्टर पता लग रहा, चैप्टर के बारे में लिख के आ जाओ, लेकिन ब्लैंक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि कुछ नहीं पता एग्जामिनर का, कब उसका मूड अच्छा हो कब खराब हो, कुछ भी कर सकता है, राइट। तो हम 99.4% मार्क्स अगर अटेन करना है तो हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने की भूल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एग्री विद मी, यस और नो? चलिए, ट्राइंग टू राइट वेरी ब्यूटीफुली, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, राइट। कोई भी कॉमन पॉइंट मैं नहीं लेता हूं, ऑब्वियस से पॉइंट जो कि आपको पता है, राइट। ब्यूटीफुली इन द सेंस क्या, आप ये बोलेंगे सर अच्छा लिखना तो ये तो एडवांटेजेस है, बहुत अच्छा है कि भाई आप बोर्ड में अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर ट्राइंग है, ट्राइंग टू मतलब आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, राइट। आप इतनी सजा के नहीं लिखते हो वैसे नॉर्मली, लेकिन बोर्ड में एग्जामिनर को दिखाने के लिए, राइट, आप ऐसी आर्टिफिशियल राइटिंग क्रिएट करते हो जो कि आपकी राइटिंग है ही नहीं, लेकिन आपका राज या पर्दा कब खुलता है, 2 या 3 या 4 पेज बाद, जब आपको लगता है भैया ऐसी राइटिंग सजा सजा के लिखने में तो मेरा पेपर छूट जाएगा, और फिर आप जो आते हो अपनी एक्सपर्ट राइटिंग में, तो एग्जामिनर को लगता है यार ये पेपर किसी और ने करा है, ये पेपर किसी और ने करा है, चलो इसके मार्क्स मैं काट लेता हूं या इसको एनालिसिस के लिए आगे भेज देता हूं। ऐसा नहीं करना, राइट। जो भी आपकी राइटिंग हो, अच्छी हो या बुरी हो, वो बोर्ड में नहीं सुधरने वाली। बोर्ड एग्जामिनर को राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना चाहिए कि राइटिंग समझ में आ जाए, राइट। तो एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश हमें नहीं करनी है, राइटिंग जो हो वही प्रेजेंट करना है, जो हो वही प्रेजेंट करना है, और जो राइटिंग फर्स्ट सेकंड पेज पे है कोशिश करो कि लास्ट तक वही राइटिंग मेंटेन है। कुछ भी जरूरत से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है जो आप नहीं हो। अच्छी राइटिंग बनाने के चक्कर में पेपर छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट, क्योंकि एंड में आते ही तो आप अपनी एक्सपर्ट राइटिंग में आना ही है आपको, क्योंकि नेचुरल राइटिंग आ ही जाएगी जब आपको लगेगा पेपर छूटने वाला है, राइट। तो ब्यूटीफुल राइटिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो वही प्रेजेंट करो एग्जामिनेशन में। यस और नो? चलिए, प्लानिंग टू चीट इन एग्जामिनेशन, या बहुत ही समझदार बच्चे होते हैं जो कि इतना टाइम लगाते हैं ये प्लान करने में, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रणनीतियां बनाते हैं कि भाई फर्रे चीटिंग कैसे करनी है, राइट। पेपर में लिख के ले जाएंगे, एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, या अगला एग्जामिनेशन से पहले, मतलब आज एग्जामिनेशन है दूसरा एग्जामिनेशन 2 दिन बाद है, छुट्टी होने से पहले या पेपर होने से पहले, अगर पेपर जल्दी हो जाएगा तो दूसरा एग्जामिनेशन का लिख लेते हैं बेंच में, राइट। तो वो सारी टेक्निक्स वगैरह आपको नहीं अपनानी है, राइट। बोर्ड एग्जामिनेशन में चीटिंग का सोचिए भी मत, राइट। पहली बात तो टाइम कम मिलता है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन जिन बच्चों को भी मिलता है उनको भी अवॉइड करना चाहिए, राइट, क्योंकि हर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इनकेस आपको लग रहा है कि भाई जो टीचर रूम में है उसकी ध्यान नहीं पड़ रही है आप में, लेकिन वो जो सीसीटीवी लगे हुए हैं वो ऑपरेट करने वाला अलग से कोई और बंदा है, जो कि आप पर 24 आवर्स जब तक आप उस एग्जामिनेशन रूम में है हर बार नजर रखता है, राइट। तो वो कभी भी आपको बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए, अनाउंसमेंट हो सकता है आपके नाम का, आप जाएंगे और आपसे पेपर ले लिया जाएगा, वो एग्जामिनेशन आपसे नहीं दिया जाएगा,
राइट, वो नहीं देने देंगे वो एग्जामिनेशन आपको, हो सकता है पूरे पेपर ही आपको नहीं देने दिया जाए एग्जाम, राइट। तो इतना रिस्क नहीं लेना है, राइट। देखिए चीटिंग का ये भी है, जो चीटिंग करा रहा है वो पढ़ने वाला बच्चा तो है नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को या पढ़ने वाले बच्चों के पास चीटिंग करवाने का टाइम नहीं होता। आपने देखा होगा वो अपने पेपर में ही मगन रहते हैं, उनको सर उठा के इधर उधर देखने का भी टाइम नहीं होता, राइट। तो जो आपको चीटिंग करवा रहा है या जिससे आप पूछ रहे हो, वो कौन सा समझदार है, क्या श्योरिटी है जो उसने बताया है वो ठीक होगा? यस, वैलिड पॉइंट है, राइट। तो चीटिंग करना अवॉइड करिए, राइट, जितना हो सके खुद के मन से लिख के आ जाओ भाई, क्योंकि जिससे पूछ रहे हो वो बताएगा, वो भी तो गलत ही लिखोगे, राइट। तो और जो प्राउड फीलिंग आएगी, जो आपने खुद के मन से लिखा है और वो ठीक हो जाता है और अच्छी परसेंटेज आती है, वो किसी और ही लेवल की फीलिंग होती है। यस और नो? यस। चलिए आगे, मिस यूजिंग फर्स्ट 15 मिनट्स बहुत जरूरी है। शुरू के 15 मिनट का मिस यूज नहीं करना है। 15 मिनट जो शुरू में मिलते हैं आपको क्या करना है, बेस्ट पॉसिबल यूज करना है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, उससे कंफ्यूजन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, नर्वसनेस होगी कि भाई इतने सारे क्वेश्चन मैंने 15 मिनट में, खुद ही सोच के देखो भाई 25 से 30 क्वेश्चन 15 मिनट में पढ़ने क्या पॉसिबल है, उनके सबके आंसर आपके दिमाग में चलते रहेंगे, बहुत कंफ्यूजन है। तो आइडेंटिफाई कर लो कौन सा सेक्शन मुझे पढ़ना है, कौन सा सेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे मुझे सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, उल्टा पेपर करना है, सीधा करना है, ABCD सेक्शन करने, DCBA सेक्शन करने, वो सारी स्ट्रेटेजी आप 15 मिनट में बना सकते हैं, राइट। उसका मिस यूज मत करिए, क्योंकि वो गेम चेंजर है। जिन बच्चे बोलते हैं, जो बच्चे बोलते हैं मेरा पेपर छूट गया है, वो इसी वजह से छूटता है क्योंकि उन्होंने शुरू के 15 मिनट सिर्फ वेस्ट करे हैं पूरा पेपर पढ़ने में या फिर गप्पे मारने में, राइट। तो बेटर यूज ऑफ फर्स्ट 15 मिनट्स इज वाइटली इंपॉर्टेंट। यस और नो? चलिए, राइटिंग विद लग्जरी पेन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लग्जरी पेन के साथ लिखना। कई बच्चे अपने फादर्स वगैरह को जो बर्थडे वगैरह में, एनिवर्सरी वगैरह में पेन मिलते हैं, वो संभाल के रखे रखते हैं कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं इससे लिख के आऊंगा, या आपको बर्थडे पार्टियों में जो गिफ्ट पेन मिलते हैं इतने मोटे मोटे, इतने भारी भारी, आप उनको सजाए रखते हैं, रखे रखते हैं ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं लिखूंगा, राइट। या फिर ऐसे पेन आप यूज में लेते हैं जो आपने साल भर कभी नहीं उस पेन से लिखा है, वो बिल्कुल अवॉइड करना है, वो बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन भी उसी पेन से देना है जो आप नॉर्मल पेन यूज करते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। इतने भारी पेन से लिखना हमेशा अवॉइड करना है, जितना पेन लाइट होगा, और मेक श्योर करिए वो सारे वही पेन हो जो कि आप नॉर्मल रफ कॉपी में भी, आप स्कूल में भी, घर में भी जिस पेन से काम करते हो, क्योंकि उससे आपकी हैबिट है, स्पीड आएगी, राइट, फैमिलियरिटी लगेगी, भाई मैं घर पे भी पेपर करती हूँ, प्री बोर्ड मैंने इसी पेन से दिया है, अच्छे नंबर आए हैं, तो बोर्ड में भी मुझे यही रिपीट करना है, राइट। तो कुछ भी लग्जरी करना, एक्स्ट्रॉर्डनरी करने की जरूरत नहीं है। जो भी नॉर्मल पेन है, जो भी 5, 10, 15, 20 रुपए का पेन यूज में लेते हैं नॉर्मल लाइफ में, वही पेन आपको यूज करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, राइट। सिंपल रहिए, सोबर रहिए और अच्छी परसेंटेज अटेन करिए, राइट। पॉइंट नंबर 10, नो प्लानिंग फॉर एग्जाम ब्रेक्स। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। जो एग्जामिनेशन के बीच में ब्रेक आता है उसका मिसयूज नहीं करना है, पहले से ही प्लान करके रखना है। अगर 4 डेज का ऑफ है, 4 डेज में मुझे क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया है 90% ऑफ योर टाइम शुड बी एलोकेटेड टू रिविजन। 90% ऑफ योर टाइम शुड बी एलोकेटेड टू रिविजन। रिविजन पे आपको पूरा टाइम लगाना है, लेकिन कैसे रिवाइज करना है, कौन सा चैप्टर पहले, कौन सा चैप्टर बाद में, कैसे रिवाइज करना है, 2 बुकें हैं, कैसे करना है, वो सब कुछ पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन ब्रेक्स का पूरा एक चार्ट बनाइए, आपको टाइम टेबल पता लग ही गया है, कितनी छुट्टियां हैं, कितनी नहीं है, कितनी छुट्टियों में कौन सा चैप्टर करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, पहले से ही डिफाइन करके रखिए, राइट, ताकि आप एग्जामिनेशन ब्रेक का मिसयूज ना करें। एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होता है शाम को या रात को आप नहीं पढ़ते हैं वो मत करिए, हर मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस दिन एग्जामिनेशन है उसकी शाम को रात को बिल्कुल पढ़िए, वो आपको एडेड एडवांटेजेस देगी और बंदों से, क्योंकि और बंदे अगले दिन ही पढ़ेंगे सुबह उठ के, राइट। अगर 99.4% का सपना है लाने का, तो आपको हर वो टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा जो बच्चे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, राइट। तो मेक श्योर करना है आपको एग्जामिनेशन ब्रेक का मोस्ट अफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, राइट। तो ये थी सिंपल सी, सोबर सी, लेकिन बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव टिप्स जो कि आपको यूज करेगी या आपको यूज करनी है 99.4% अटेंड करने के लिए बोर्ड में, राइट। अगेन हमेशा की तरह जो भी आपके सुझाव होंगे, कमेंट्स होंगे या कोई टिप्स आप शेयर करना चाहते हैं और बच्चों के साथ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी
आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं इस वीडियो के नीचे, राइट। तो मेक श्योर करिएगा, दो तीन चीजें आपको अगेन वैसे ही करनी है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना है, वीडियो को लाइक करना है और किसी भी एक फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि एग्जामिनेशन में वो मिस्टेक्स अवॉइड करे। और जो हमारा मिशन है, आई होप सो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सब बच्चे अटेंड करें, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच। Thank you.